उत्तराखंड क्रिकेट कंसेंस कमेटी ने अंडर 14 जोन खिलाड़ियों के ट्रायल की जिम्मेदारी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को सौंपी थी। उत्तराखंड एसोसिएशन ने हरिद्वार जोन के खिलाड़ियों का पंजीकरण और ट्रायल मैचों की जिम्मेदारी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ हरिद्वार को सौंपी। वहीं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ हरिद्वार ने जनवरी के पहले सप्ताह में IIT रुड़की के ग्राउंड में पंजीकृत खिलाड़ियों का ट्रायल लेकर खिलाड़ियों का चयन किया था। एसोसिएशन ने 5 और 6 जनवरी को 48 खिलाड़ियों के मैच कराकर जोन टीम का चयन किया, लेकिन चयन प्रक्रिया पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, जिसमें IIT रुड़की के स्पोर्ट टीचर के बेटे का सिलेक्शन, 12 क्लास में पढ़ने वाले का सिलेक्शन जैसे कई मुद्दे चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि हरिद्वार में क्रिकेट एफिलिएशन प्राप्त जिमखाना एकेडमी हरिद्वार के इंद्रमोहन बर्थवाल ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है और हरिद्वार क्रिकेट को ऊंचाइयों पर जल्द पहुंचाने की बात कही, लेकिन सूत्रों की माने तो 12 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 14 साल का सिलेक्शन किस आधार पर हुआ, यह सवाल बना हुआ है। ये जो नवयुवाओं के लिए बहुत ही अच्छा अवसर BCCI ने जो है UCCC का यहाँ पर क्रिकेट की मान्यता के लिए एक कदम है और इससे जो नए युवा हैं उनको जो है बहुत ही फ़ायदा हुआ है इससे। और जो अंडर 14 जो यहाँ जोन का सिलेक्शन हुआ था उसमें पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग और डिस्ट्रिक्ट कठुआ, ये 4 जिले जो है हमारे जोन को दिए गए थे और इसका हमने जो है ग्राउंड IIT रुड़की को चुना क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड भी बढ़िया था। DPS ग्राउंड को किया गया था लेकिन किन्हीं कारणों से वो हो नहीं पाया था। हमारा ध्येय ये था कि अच्छे ग्राउंड पर इन बच्चों को ट्रायल के लिए कराया जाए। हरिद्वार के लिए है कि कई अच्छे लड़के निकले हैं। लाल ढंग से एक लड़का आया है जो मीडियम पेस करता है, बहुत ही पुअर घर का लड़का है वो, और उसने जिस तरह से जो है बॉलिंग की है वो काबिले तारीफ। तो इसको लोग मान रहे हैं कि पूरी तरह ये पूरे एक साजिश के तहत ये पूरी वर्क किया गया है। ये पूरी तरह गलत है। मैंने वो ग्राउंड हायर किया, उसका पेमेंट किया गया है और बकायदा वहाँ पर लंच वगैरह प्रोवाइड किया गया, पेरेंट्स को भी लंच प्रोवाइड किया। ऐसा कोई वहाँ पर वो नहीं था क्योंकि वो कीड़ा अधिकारी हैं वहाँ पर, तो ग्राउंड पर रहना बहुत उनके लिए आवश्यक था इसलिए जो है वहाँ पर था। और लड़का जो मेरे पास खुद रसीद है इसकी, जो ग्राउंड लड़के का सिलेक्शन इसी आधार पर किया गया, ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और जो ग्राउंड लिया गया है वो जो है हमने उसका पेमेंट किया है, क्रिकेट एसोसिएशन ने उसका जो है मेरे पास में रसीद है।